हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कि ये सुमो एसईओ टूल जो वेबसाइट होती है, जो ये आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें ऐड कोड्स को हम कहाँ प्लेस करते हैं और एडसेंस का जो कोड होता है वो कहाँ प्लेस करते हैं। मेरे एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझसे ये पूछा है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने नेचुरल सोचा चलो अच्छा कोई अच्छा ही टॉपिक है तो मैं ज़रा बता देता हूँ ताकि किसी की हेल्प हो सके। और काफ़ी लोग परेशान होते हैं तो क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले आ जाना है अपने अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने डैशबोर्ड के ऊपर अपना एक्सको के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब यहाँ आएंगे आप तो एडमिन डैशबोर्ड का इस तरह का कोई ऑप्शन आप लोगों के सामने अवेलेबल होगा। तो ऐसा आप यहाँ पे कुछ देखेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, तो एडसेंस का जो कोड होता है जो हमें हेडर में पेस्ट करना होता है उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप ये डैशबोर्ड से फेमिलियर होंगे तो यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है सेटिंग के ऊपर। सेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जर्नल, हेडर, फुटर, मेनू और स्लाइड बार, GDPR, एडवर्टाइजमेंट और SMTP, इस तरह के ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे लोग कंफ्यूज रहते हैं हमें करना क्या है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एक एडवांस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ये ऑफ होगा। ठीक है, आपने इसको जो आपका एडसेंस का कोड होता है उसको आपने ला के यहाँ पेस्ट करना है। जो एड्स का कोड पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, वो जो हम कोड जो हमें गूगल बोलता है एडसेंस जब हम बनाते हैं और अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वो एक कोड देता है हमें, तो उस कोड को आपने यहाँ ला के पेस्ट करना है और उसको यहाँ के इंसर्ट हेडर के ऊपर यहाँ से ओपन कर देना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अगर फुटर में कोई आप चीज़ हमने पेस्ट करनी है तो ये फुटर का ऑप्शन ये, और यहाँ से आने के बाद इसको आपने सेव चेंजेस कर देनी है। सेकेंड बात यह है कि जब आपकी वेबसाइट अप्रूव रहती है तो यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट का जो ये ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और जो ऐड कोड्स होते हैं उनको यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पेस्ट करना है उसको ओपन कर देना है, यहाँ पेस्ट करना है इसको ओपन कर देना है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये मेरी वेबसाइट बेसिकली मैंने अप्रूवल पे नहीं भेजी थी एडसेंस को और मैंने इसके ऊपर जो है एड्स तरह के एड्स लगाए हुए थे और मैंने उसको भी बंद कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रही थी एड्स तरह के एड्स के ऊपर। तो ये मैं अपने पर्सनल यूज़ में रखता हूँ, कुछ लिंक्स हैं या कुछ भी इसमें टूल्स हैं वो मैं पर्सनल वर्क में यूज़ करता हूँ, इसलिए बेसिकली मेरी दूसरी वेबसाइट है एच सुपर एसईओ टूल्स के नाम से जो अवेलेबल है, मैं उस पर जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस पर जाके कुछ भी टूल यूज़ कर सकते हैं, सारे फ्री में अवेलेबल हैं। तो ये तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है। इसमें एक चीज़ है जो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें, ये तो मैं बहुत जल्द उसको बंद कर दूंगा, लेकिन आप जब भी किसी की भी सुमो टूल्स की वेबसाइट यूज़ करें तो उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो है YouTube वीडियो स्टेटिक्स का। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स का, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी वीडियो का URL डालते हैं तो उसका सारा जो है कच्चा चिट्टा सामने आ जाता है कि उसने टैग्स कौन से लगाए हुए हैं, चैनल किस कैटेगरी में रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब चीज़ें आप ना कॉपी कर सकते हैं इस पे आके। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट सी वीडियो थी। तो जो चीज़ समझ में नहीं आई फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और उन कमेंट्स का मैं जवाब भी दूंगा और हो सका तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो देख के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।